College of Engineering and Technology, Sector 26. This college has two wings, degree and diploma wing. The diploma wing was established in 1959, whereas the degree wing is a newer one, which was established in 2002. तो ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे हम बास्केटबॉल खेला करते हैं और यहाँ पे हमारा ओपन फील्ड है, यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं और यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ वॉलीबॉल का कोर्ट भी है, यहाँ पे वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, ओपन ही है यहाँ पे वॉलीबॉल। आपको दिखाने वाले हैं हमारा CCET का डिप्लोमा विंग और यहाँ पे हमारी पार्किंग है और आगे थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिग्री विंग भी दिखेगा। ये हमारे कॉलेज का स्टार पॉइंट है, ये हमारे डिप्लोमा विंग की एंट्री। डिप्लोमा विंग में आप 3 साल बाद सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे जाके हमें कैंटीन दिखेगी और यहाँ से ओल्ड कैंटीन आती है और यहाँ पर आप फ्री टाइम में खाना खाने आ सकते हैं और क्योंकि यहाँ पे व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ये पहले डिग्री विंग की कैंटीन हुआ करती थी बट अब ये कंस्ट्रक्शन के कारण बंद हो चुकी है, तो इसलिए हम डिप्लोमा विंग की कैंटीन से आपको अभी मिलाएंगे। अब हम हमारे कॉलेज की कैंटीन में आ चुके हैं। ये कैंटीन ब्रेक टाइम पे बहुत लाइवली होती है, सारे लोग इधर आते हैं, इधर कुछ सब कुछ मिल सकते हैं। ये हमारी कैंटीन अंदर से है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस टाइम पे भी पूरी भरी हुई है। इधर सब कुछ मिल सकता है आपको, पेप्सी से लेके खाने के लिए पूरा प्रॉपर लंच भी आपको मिल सकता है एंड ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको सारा। अभी अपने कॉलेज के कॉरिडोर में चल रहे हैं। तो ये अप्रतिम कॉलेज की पाठशाला वाला जगह है, यहाँ पर कोई भी इवेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर ही होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह जैसे 7 नोट्स वगैरह कोई सॉन्ग प्रिपेयर करते हैं तो वो यहाँ पे इसको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में कैटेगरी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड केमिस्ट्री कैटेगरीज और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कैटेगरीज। ये लेक्चर हॉल 1 बिल्कुल केमिस्ट्री लैब के एडजेसेंट है। ये हमारे डिग्री विंग्स के ब्लॉक है, ये ब्लॉक है वो ब्लॉक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। आपको एक फ़ायदा बताते हैं, अभी यहाँ पर बाकी कॉलेज चितकारा वगैरह जो जहाँ मर्जी देख लो सभी जब आप एंटर करते हो तो आईडी कार्ड मांगते हैं, यहाँ पर आपको आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई भी आओ अपना जब मर्जी आओ वो भी कोई चक्कर नहीं, एंट्री मिल जाती है आराम से। बाकी आपको आगे 2 साल रखे अनमोल, आज उसको फीवर था। बाकी हमारे कारपेंटर की सर मैं कमीन हाँ जी सर फ़ोन पे अभी आपकी बात करवाते हैं, खड़ जाता हूँ मिनटर। सर जी सत श्री अकाल, सर व्लॉग बना रहे थे, सर कहते सर नु शर्म आ रही है, सर कहते भी दिखा दो ऐदा ही दिखा दो कारपेंटरी, सर बहुत वधिया समझाते हैं जेड़ा सानू मतलब टूल्स वगैरह वगैरह जो वाइवा में बाद में पूछा जाएगा ना वो सर पहले ही बता देते भी आपको ही इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे सर इलेक्ट्रिकल भी कई भी हैं, बच्चा वगैरह आते हैं, बाकी अगर कोई चीज़ समझना है तो सर के पास आओ, सर आपको दिखा तो सकते हैं अगर आपने कुछ बोलना नहीं है, बाकी गाइस देख सकते हो सर को आप। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी भाई सर से परमिशन लिया हमने, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी यहाँ आगे हमारे हेड हैं, क्या कौन है, मनोज सर वो वेल्डिंग में है, उनका है वेल्डिंग करवाते हैं, वेल्डिंग वर्कशॉप, बाकी मशीन वर्कशॉप करवाते हैं। बाकी वही है नीचे भी 2 सर होंगे वो भी अच्छा करवाते हैं काफ़ी यार, वर्कशॉप वाले तो जो ना मैकेनिकल वाले बंदे हैं उनको आगे भी काम आएंगे ये जो ये सर हैं वर्कशॉप वाले, तो सही है। और इसका सिस्टम बताओ क्या रहता है इसका ना, बस आखिरी में क्विज होती है गूगल फॉर्म वाली, दो बारी हुई थी, सही गई है बिल्कुल सही, एमसीक्यूज होते हैं उसमें बंदा आराम से करो। बाकी यार आपको क्या कह रहा था, मैंने शायद पहले बोल दिया अभी, जो हमारे साथ 2 साल रखा है उसको आज फीवर था, वो जा रहा आ रहा तब भी हमारे साथ इतनी मुश्किल पैरासीटामोल गोली खा के। बाकी भाई ये एडिट होना चाहिए, जो हमारी एडिटिंग करती है ना वो शैलीजा है उसका नाम, अगर उसने ये वीडियो डिलीट कर दी इसमें या फिर कट एडिट किया तो वो मुझसे बचेगी नहीं। धमकी दे रहा हूँ शैलीजा समझ ले। बाकी आपको दिखा देंगे, उसको भी दिखाएंगे, हमारी टीम में राइट टीम में ना 5 मेंबर्स हैं, आपको मैंने शायद एक दो दिखा दिए आपने देख लिए होंगे ब्लॉग्स में, सीमर जिसने अपना ड्रामेबाज का बनाया था
बाकी अपना साहिल है, उसने सुखना लेक में हेल्प करी थी। से एक शैलीजा है, उसको आपको दिखा देंगे, वो सिर्फ एडिटिंग का काम करती है क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल है, तो वो इसलिए वो हमारे साथ व्लॉग्स नहीं बनाती। बाकी गाइस ये व्लॉग भी है, ये मतलब शाम बहुत मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट है गया, HOD वगैरह बैठते हैं यहाँ पर, सिविल और मैकेनिकल का। बाकी यहाँ पर लगा लो बहुत शांति रहती है सुबह से लेकर शाम तक, जो भी है ब्लॉक में है। बाकी अगर आपने किसी ने सेल्फ स्टडी वगैरह करनी है, देखिए या फिर लाइब्रेरी बैठ जो से उससे ब्लॉक वे में सेकंड फ्लोर पे है। बाकी आपको हमने इसलिए सेकंड और थर्ड फ्लोर नहीं दिखाया, वहाँ पर AC भी लगे हुए हैं वैसे, मतलब अच्छे हैं, वहाँ पर सीनियर बैठते हैं। तो क्या ही, अगर आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फर्स्ट ईयर का आपको सारा बता देंगे भी क्या क्या सिस्टम है, बाकी आपको नॉलेज काफ़ी हो जाएगी आगे जाके। बाकी हम आपको सेकंड फ्लोर पे लेके जा रहे हैं, दोस्त बैठे होंगे हमारे बैचमेट्स। हाँ भाई काफ़ी है यार, लिफ्ट ले लेते हैं हम। चलो कोई नहीं, सैर भी करनी चाहिए, अभी खाना खाया था, हजम हो जाएगा। बाकी आपको दिखा देते हैं यहाँ से, आपको यहाँ से दिख जाएगा काफ़ी। टीचर्स की बात करें, अपने कैलकुलस के हैं पारुल अग्रवाल, जो अपना मेन टीचर हैं, काफ़ी तीन ब्रांचेस को पढ़ाती हैं मैम, CSE मैकेनिकल और सिविल। बाकी अपना है अपना केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो आपकी ब्रांच पे डिपेंड करता है भी आपकी कौन सी ब्रांच है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर में उसके वाइज है। बाकी साल में आपका कवर हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, सोर्स सिमिलर से सब्जेक्ट होते हैं। बाकी सही है कॉलेज हमारा। बाकी इसके बारे में और क्या बताया जाए यार, बोल क्या बताएं, और नहीं है और क्या ही बताएं। वो कंटीन अच्छी है यार, कंटीन में आप मानोगे नहीं, चंडीगढ़ पूरे चंडीगढ़ में आप जहाँ मर्जी देख लो आपको 15 या 20 से कम समोसा नहीं मिलेगा, और कंटीन में काफ़ी सस्ता मिलता है, आई गेस 7 का मिलता है ना। हाँ 15 के 2 मिल जाते हैं, वही सही है यार, काफ़ी ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया, ब्लॉक ए का बता दिया, ब्लॉक बी का बता दिया, वो जो ब्लॉक सी है ना वो आपको अगर है मिला टाइम हमारे पास तो ब्लॉक सी भी दिखा देंगे आपको, जो नया भी बनना है, इनोग्रेशन होनी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा। हाँ उसका हमने देखा सिस्टम पूरा सेट है। बाकी क्या ही बताएं, हाँ फीस का बताना था आपको। फीस हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो जब आप हम कहते हैं एडमिशन लेते हैं ना, जैक के थ्रू एडमिशन होती है इसकी, आपको फीस में जैक में 5 आते हैं कॉलेज, उसमें से लगा ले UIT हो गया, UIT और CCD, इतने BTEC के लिए बी होती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होती है यहाँ पर, BTEC की लगा लो। बाकी ये लगा लो अपना, हाँ जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं ना हमको ना फीस भरनी होती है 40,000 भरनी पड़ती है, बाकी दूसरे सेमेस्टर में तो 27,000 होती है। बाकी लगा लो अप्रोक्स 30,000 पर सेमेस्टर आपकी, लगा लो 24-25 लाख में इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट। बाकी अपना सिस्टम है इसमें पास होने का तक रखा करो, अभी ये नहीं है, अभी मतलब सिस्टम सही है, अगर सप्ली आ गई तो सप्ली फंस जाती है भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में है कैलकुलस है, कैलकुलस भाई अपना पढ़ लो, जो भी मतलब आएगा बच्चा आगे जाके जो भी मतलब लोग देखेगा। बाकी आपको ऊपर का दिखाता हूँ, ऊपर बच्चे पेपर दिए हैं, फर्स्ट ईयर करे सिविल ब्रांच के, उनका AG का पेपर हुआ। बाकी अगर बात करी जाए हॉस्टल की, हाँ हॉस्टल की तो रह गया, हॉस्टल का भी आपको बहुत ही चीप प्राइस है, अगर आपको हॉस्टल में आप दूर से कहीं दूर से आपने रूम वगैरह लेना हो, बाकी यहाँ पर परमिशन भी मिल जाती है। फर्स्ट ईयर में दिक्कत होती है नाइट आउट स्टे की, मतलब 9 बजे तक आना, 9 या 10 बजे तक आना होता है। बाकी आप तो सीनियर तो काफ़ी लेट घुसते हैं, दीवार दूर आपके 2 बजे तक वगैरह। और बाकी चंडीगढ़ में है आपको ये बहुत फ़ायदा है आपके पास, मतलब कई सारी जगह है घूमने के लिए, लांटे वगैरह, अगर आप आउटसाइडर हो तो आप सही है, आपको सही चल जाएगा, बहुत अच्छी जगह है ये मेरे ख्याल से। पता नहीं कितनी एकड़ में है, एक मिनट जो आपको बता देते हैं कितनी एकड़ में है, एक मिनट ये अपना है 32 एकड़ में है अपना कैंपस, हॉस्टल वगैरह ग्राउंड वगैरह सब कुछ मिला के रहने सहने का, सही है बहुत सही है यार कॉलेज, अगर सही चल जाता है बैलेंस ही है, काफ़ी बंदे के पास काफ़ी टाइम होता है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में बंदा पढ़ ले, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, बाकी और कोई चक्कर नहीं, चिल है अपना पूरा सिस्टम सेट है। बाकी जो बच्चे आगे आएंगे उनके लिए और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, क्योंकि ब्लॉक का इनोग्रेशन होने वाला है, अंदर से बहुत अच्छा
ब्लॉग है, काफ़ी लाइब्रेरी अच्छी है। बाकी यार वही है, आपको दिखा देते हैं बाहर से व्यू जहाँ हम बैठे हैं। गाइस अगर हम फेस्ट का तो रहना बताना भूल गए, बाकी दूसरे फेस्ट में ही जाते हैं, हमारे कॉलेज वाले लेके जाते हैं। यहाँ पर कई सारे क्लब्स भी हैं, आपको बताना, ये भी बताना था। जैसे ड्रामेबाज बहुत ही एक्टिव क्लब है, सेवन ओट्स हो गया, बाकी और कौन से क्लब है, बीटल्स हो गया, AOS हो गया, काफ़ी क्लब हैं। आपको मतलब आपका अगर किसी PBN भी है, हाँ सही है, बहुत क्लब्स हैं। अगर आपका किसी में इंटरेस्ट हो, आपको अगर ये सारा कुछ कवर कर दिया फीस वगैरह। बाकी अगर हम बात करें उसकी प्लेसमेंट की यहाँ पर CSC की काफ़ी अच्छी होती है। लगा लो अगर UIT और CCD में इतना प्लेसमेंट का डिफरेंस नहीं होता। CSC के अभी लगा है, मेरे दोस्त है, सीनियर है, दोस्ती की तरह गए हैं, अपना 10 लाख का लगा है, 10 लाख, 10 हाईएस्ट मेरे ख्याल से 15 का गया होगा CSC का। बाकी सिविल के तो है ही कम, सिविल का कम है, एवरेज CSC का तो 7 लाख है। बाकी मैकेनिकल इसी का भी बराबर लग जाता है, इसी का भी सही है, पैकेज भी ठीक है यहाँ पर। बाकी अगर हम एक और फ़ायदे की बात करें, बाकी आप अगर दूसरे कॉलेज में देखोगे रैगिंग वगैरह होती है, हमारा कॉलेज अच्छा है रैगिंग के केस में, सीनियर एक तरह के फ्रेंड्स हैं, काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है उनका, रैगिंग का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर, अच्छे टीचर्स हैं। टीचर ने सब कुछ इतना कवर कर लिया है कैंपस के बारे में। बाकी मेरा दोस्त है मैकेनिकल का, फर्स्ट ईयर का ही है, वरुण नाम है, ये आपको बताएगा कैंपस के बारे में, रिव्यू देगा अपने। बाकी मैंने अपनी तरफ से बता दिया, बता भाई बड़ा अच्छा कॉलेज है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ों के लिए तो और भी अच्छा है, पर मैं बाकी डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, मूवी अभी बाद में आएगी, बाकियों के लिए तेजी भाई बनाएंगे पर्सनली, हाँ रात को बैठ के देखेंगे सबने। हाँ और बस भाई बाकी तो ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी इसने कह दिया भी ठीक है, कैंपस अच्छा है काफ़ी, और टीचर्स बहुत इतना वो नहीं, प्रेशर नहीं देते, अटेंडेंस का भी इतना है नहीं, मतलब अपनी कंटेन करके चलो, नोट्स वगैरह बनाओ, क्योंकि यूट्यूब से मैंने देखा साला इतना होता नहीं है, +1 +2 में होता था यूट्यूब से, अब नहीं इतना होता। तो भाई एंड करते हैं व्लॉग को, तो थैंक यू गाइस, आपने अब मतलब इतना व्लॉग देखा, इतनी स्टार्टिंग से इतनी बकचोदी देखी। बाकी वही है, अच्छा कॉलेज है, चिल है, पूरी फन है पूरा। बाकी दोस्त भी यहाँ पर ऐसे देख के बनाओ, कई साले आपको गलत संगत में लगा देते हैं, तो इसलिए अपना देख के दोस्त बनाओ, क्योंकि आपके साथ 4 साल आगे 4 साल वही दोस्त रहेंगे, इसलिए फिर अच्छे दोस्त बनाओगे तो अच्छी से डिग्री जाएगी आपकी। तो गाइस बाय बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू टीम राइटअप।